नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी आई क्यूकेडमी में स्वागत है। इस वक्त की महत्वपूर्ण अपडेट है आप लोगों के लिए। हरि प्रसाद शर्मा जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश की है और पूरी जानकारी का क्या है, पूरा मामला, क्या इस्तीफा मिलेगा या नहीं मिलेगा, पूरी जानकारी जानेंगे। और इस्तीफा मिला या नहीं मिला तो कौन सी भर्तियाँ अटकेगी, कौन सी नहीं अटकेगी, सारी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। ये रही दोस्तों आज की पूरी खबर, तो पूरी खबर ध्यान से देखिए। आरएसएसबी न्यूज, अधीनस्थ बोर्ड चेयरमैन ने इस्तीफे की पेशकश कहा, यानी कि हरिप्रसाद शर्मा खुद चाहते हैं कि मुझे इस्तीफा दिया जाए, मंजूर किया जाए। अब देखिए पूरी खबर, कार्यकाल पूरा किया तो अटक जाएगी 8 भर्तियां, जो है यहाँ पर हरिप्रसाद शर्मा जी कह रहे हैं यदि कार्यकाल पूरा किया तो अटक जाएगी 8 भर्तियाँ। जयपुर से खबर है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड चेयरमैन हरिप्रसाद शर्मा का कार्यकाल 7 अक्टूबर को पूरा होने जा रहा है। चेयरमैन ने इस्तीफे की पेशकश की है, इसमें कहा है कि यदि कार्यकाल पूरा किया तो बोर्ड की ओर से सितंबर व अक्टूबर में प्रस्तावित 8 भर्तियां प्रभावित होगी। चेयरमैन ने जुलाई अंत तक पद छोड़ने के लिए अनुमति मांगी है, सरकार ने अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। यानी कि हरिप्रसाद शर्मा जी का कहना है यदि कि मैं जो है 7 अक्टूबर को मेरा जैसा कार्यकाल पूरा होने वाला है, तब तक यदि कार्यकाल पूरा होता है और तब तक इस्तीफा नहीं मिलता है मुझे, तो फिर जो है ये 8 भर्तियाँ जो है ये अटक जाएगी, इसलिए मुझे इस्तीफा दिया जाए जुलाई तक इस्तीफा दे दिया जाए, ये इन्होंने कहा है। इसी महीने में मतलब इस्तीफा इनका मंजूर कर दिया जाए, परंतु अभी तक सरकार ने निर्णय नहीं लिया है। आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से ये खुद स्वयं जो है चाहते हैं इस्तीफा को लेकर अपडेट। आगे यहाँ पर देखिएगा, चयन बोर्ड की ओर से सितंबर अक्टूबर में 8 भर्तियों प्रस्तावित है। शर्मा का कार्यकाल 7 अक्टूबर को पूरा हो रहा है, ऐसे में सितंबर की भर्तियों तो करा सकेंगे लेकिन अक्टूबर की भर्ती अटकेगी। कारण है कि इन नए चेयरमैन को भर्ती प्रक्रिया समझने में 1 से 1.5 महीना लगता है। तो हाँ बिल्कुल, इन्होंने सही बात कही है कि जो है यदि जुलाई में इस्तीफा दे देते हैं तो फिर थोड़ा बहुत टाइम अगस्त का मिल जाएगा, तो 1-1.5 महीना जो समय लगता है भर्तियों को और बोर्ड को कार्यालय को समन्वय देने का, तो उसमें जो है समय लग जाएगा और समय मिल भी जाएगा, इसलिए जुलाई में इन्होंने इस्तीफा मांगा है। अक्टूबर में भर्तियां टली तो फिर जो है चुनाव के कारण भर्तियां नहीं हो सकेगी और नई सरकार की पेंडिंग भर्तियां कराएगी। यानी कि इन्होंने साफ कहा है यदि नया चेयरमैन आता है तो भर्तियां चुनाव के कारण फिर नई डेट आएगी, तो नई डेट नहीं दे पाएंगे क्योंकि चुनाव आ जाएंगे तो पता है भर्तियाँ नहीं हो पाएगी। भर्तियाँ कब होगी, फिर नई सरकार आएगी तब, और नई सरकार क्या करेगी, भर्तियों को कैंसिल कर देगी। अब यानी कि बेरोजगारों के सामने अब संकट की घड़ियाँ आ रही है। नई सरकार आई, यदि दूसरी सरकार कोई बनी तो आप भर्तियों को भूल जाना, फिर दोबारा से भर्तियां निकलेगी और फिर से कुछ होने वाला है, क्योंकि आपको पता है नई सरकार आती है भर्तियां करती है नहीं तो कैंसिल कर देती है, अपनी मर्जी का काम है यहां पर। तो ठीक है, देखिए कौन कौन सी भर्तियां अटक सकती है। तो सूचना सहायक सीधी भर्ती परीक्षा जो 9 सितंबर को होने वाली है ये अटक सकती है। कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार सीधी भर्ती परीक्षा 17 सितंबर को यह भी अटक सकती है। संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता सीधी भर्ती परीक्षा 24 सितंबर को सुबह होनी है, ये भी अटक सकती है। संविदा नर्स सीधी भर्ती परीक्षा 24 सितंबर को शाम को, ये भी अटक सकती है। संगणक सीधी भर्ती परीक्षा 14 अक्टूबर शाम, ये भी अटक सकती है। कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 21 अक्टूबर सुबह, ये भी अटक सकती है। और सुपरवाइजर भर्ती 21 अक्टूबर शाम, ये भी अटक सकती है। यानी कि इन भर्तियों पर संकट की घड़ियां नजर आ रही है यदि चेयरमैन साहब का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ तो, क्योंकि नए चेयरमैन आएंगे तो 1 से 1.5 महीना समय में जो है उनको समझने में लगेगा। तो चुनाव पर विचार करूंगा, यहाँ पर क्या जो है हरिप्रसाद शर्मा जी की तरफ से अपडेट भी है, चुनाव पर विचार करूंगा। बोर्ड चेयरमैन के चुनाव लड़ने की चर्चाओं पर शर्मा स्थिति स्पष्ट की है, यानी कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष है चुनाव लड़ने पर स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने क्या किए देखिए, तो इन्होंने स्पष्ट किए, चुनाव लड़ने के सवाल पर शर्मा ने कहा है कि चेयरमैन पद पर रहते हुए अभी कोई विचार नहीं है, लेकिन पद छोड़ने के बाद अगर अनुकूल परिस्थितियां हुई तो विचार करेंगे। यानी कि हरिप्रसाद शर्मा जो है मन में विचार तो है कि जो है चुनाव लड़ भी सकते हैं यदि परिस्थितियाँ जो है सही रही तो, मतलब चुनाव लड़ अभी जो चेयरमैन पद पर रहते हुए तो इनकी कोई बात कहने के लिए स्पष्ट नहीं है कि अभी लड़ूंगा या नहीं, परंतु जैसे ही चेयरमैन का पद इस्तीफा दे रहे हैं जुलाई में तो उसके बाद ये विचार कर सकते हैं कि कहां से चुनाव लड़ना है और किससे चुनाव लड़ना है। देखिए यहां पर इन्होंने प्रस्ताव भेजा है, सरकार को प्रस्ताव भेजा है, राज हित में ये फैसला लिया है लेकिन निर्णय सरकार करेगी। यानी कि हरिप्रसाद शर्मा कह रहे हैं कि मैंने जो ये फैसला ले रहा हूँ ये
कि मैं जो फैसला लेने जा रहा हूँ ये राजहित में फैसला ले रहा हूँ, इससे राजस्थान के बेरोजगारों को जो है फायदा मिलने वाला है मेरे इस्तीफा से। तो यहाँ पर ये हरिप्रसाद शर्मा जी का कहना है, और हरिप्रसाद शर्मा जी जो चेयरमैन है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के, तो इन्होंने खुद ने स्वयं ने ये फैसला लिया है, अपने खुद के लिए ये फैसला ले रहे हैं कि जो है मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ, क्योंकि नया जो चेयरमैन आएगा मेरा, जैसे कार्यकाल 7 अक्टूबर को कंप्लीट होता है, तो उससे पहले जितनी भी भर्तियाँ वगैरह होगी वो सारी की सारी फिर अटक जाएगी, चौपट हो जाएगा सारा का सारा मामला, और चुनाव आने के कारण फिर नई भर्तियाँ हो नहीं पाएगी, और फिर उनका परिणाम वगैरह ये सब कुछ आने में आपको पता है, फिर तो नया साल ही आ जाएगा और जो नई सरकार आएगी फिर वही देखेगा उसका पूरा मामला। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि जो है इनको इस्तीफा मिल जाएगा तो फिर राजस्थान के बेरोजगारों को वैसे भी राहत मिल जाएगी बोर्ड कर्मचारी चयन बोर्ड से कि जो है नया चेयरमैन आ गया, कम से कम कुछ तो अच्छा भी हो सकता है, और फिर देखते हैं क्या होने वाला है। तो दोस्तों लगातार अपडेट के लिए आप बने रहिए, आप देखते हैं कि इनको इस्तीफा मिलता है कि नहीं। अभी तक तो इन्होंने फाइल तो भेज दी है, पेशकश तो कर दी है अपने इस्तीफे की, अब सरकार मंजूर करेगी या नहीं देखना अभी बाकी है। धन्यवाद मित्रों।